गुड आफ्टरनून। सो हम लेटरिंग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने अभी तक बातें की कि कैसे लेटरिंग की जाती है, क्या उसके रिक्विसाइट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, और वर्ड्स को कैसे स्टैंडर्ड क्या है BIS के, थिकनेस, विड्थ और हाइट की हम बात की। ठीक है, तो उन चीज़ों की डिटेलिंग हमने देखी कि कैसे हम उन चीज़ों में वो देखते हैं कि क्या डिफाइन कैसे होगा, वर्ड कैसे लिखेंगे, अलग अलग वर्ड की विड्थ कैसे कैसे डिफरेंशिएट करती है, कैसे वो डिपेंड करती है सारे एक दूसरे पे। वो फॉर्मूलेज हमने डिफाइन किए 1D 2D और H/10, और सबसे बड़ी बात हमने टाइप ए टाइप बी की बात की, तो वो ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट जो हमने अभी देखा था, अभी जो हमने बात की वो क्लासिफिकेशन टाइप ए टाइप बी हमने देखा अकॉर्डिंग टू थिकनेस। ठीक है, वो क्लासिफिकेशन था। अब लेटरिंग का एक और क्लासिफिकेशन आता है अकॉर्डिंग टू स्टाइल, कि स्टाइल कैसा है। तो अगर हम कहें कि स्टाइल्स इन लेटरिंग, ठीक है ना, जो स्टाइल हम कौन सा यूज करते हैं लेटरिंग रिटन के लिए, ठीक है, तो वो क्या होता है, स्टाइल का क्या मतलब है। स्टाइल का मतलब, जैसे आपने कंप्यूटर में MS वर्ड आपने इस्तेमाल किया होगा, MS वर्ड जब आप लिखते हैं तो उसमें फॉन्ट के अंदर एक ऑप्शन आता है, फॉन्ट्स के अंदर एक फॉन्ट्स में आपको स्टाइल का एक आता है जिसमें लिखा होता है टाइम्स न्यू रोमन, इटैलिक, हारमोनिका, बहुत सारी चीज़ें उसमें, बहुत ही ज़्यादा आपके पास स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी कुछ स्टाइल्स हैं, उनको हमको देखना है, तो वो भी एक क्लासिफिकेशन है, तो हम उसको क्लासिफिकेशन को स्टाइल के आधार पे करते हैं। तो स्टाइल इन लेटरिंग, दैट इज पहला जो उसमें है वो है गोथिक लेटरिंग। ठीक है, गोथिक लेटरिंग। सेकेंड हम कहते हैं फ्री हैंड, ठीक है, फ्री हैंड लेटरिंग, और थर्ड कहते हैं रोमन लेटरिंग। ठीक है ना, तीन तरीके की हमारे यहाँ बेसिकली होती है। ठीक है, तो अभी क्या है कि गोथिक क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि गोथिक का क्या मतलब है। तो गोथिक का मतलब होता है जिसमें थोड़ा सा थिकनेस हम ज़्यादा रखते हैं इसमें, बट इसकी जो थिकनेस होती है, वो यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट। ठीक है ना, आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं, अगर डेफिनेशन लिखना है तो इट हैज यूनिफॉर्म थिकनेस इन स्ट्रोक्स। ठीक है ना, इट हैज यूनिफॉर्म थिकनेस इन स्ट्रोक्स। जितने भी स्ट्रोक से वो लेटर बनाया जाएगा गोथिक लेटरिंग में, जितने भी स्ट्रोक्स है, स्ट्रोक का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आपको ई ड्रॉ करना है, तो ई ड्रॉ करने में जो अभी हमने आपको पहले भी बताया था कि अलग अलग उसका कंपोजिशन क्या तरीका है, कि एक ये, फिर हॉरिजेंटल, फिर सबसे ऊपर वाला, एंड देन उसके बाद ये, तो ये जो तरीका आपको बताया गया, तो चार बार हमने पेन चलाया, पहला स्ट्रोक हॉरिजेंटल, सेकेंड स्ट्रोक, फिर एक हॉरिजेंटल, थर्ड स्ट्रोक, फोर्थ स्ट्रोक, चार स्ट्रोक में ये बना। ठीक है, तो ये जो जितने भी आप स्ट्रोक लगाएंगे ना, सब जगह थिकनेस बराबर होगी, है ना, ऐसा नहीं कि आपने इसको थोड़ा सा मोटा कर दिया और ये एकदम अलग, ये एकदम हल्का, ये हल्का, ऐसा नहीं करना है, थिकनेस सब जगह बराबर होगी, ये नहीं कि यहाँ पे मोटा है ना और वहाँ पे अलग कर दिया, नहीं, जितनी भी लाइन्स आप यूज़ करेंगे उसमें, उन सब की थिकनेस एक जैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। मतलब कि आप गोथिक लेटरिंग जब करते हैं तो आपके पास ये ज़रूरी होता है कि आप पेंसिल सिंगल यूज़ करें, एक ही पेंसिल से पूरा। दूसरी चीज़ कि पेंसिल को लिखते समय आप एक वर्ड लिखें, एक वर्ड आपने हैज़ लिख दिया, अब हैज़ के बाद आप थोड़ा सा पेंसिल को घुमा लीजिए, थोड़ा सा फिर घुमा लीजिए यूनिफॉर्म का, फिर घुमा, घूमने से क्या होता है कि एक ही जगह से अगर आप सब लिखते चले गए, जल्दी घुमाया ही नहीं, तो क्या होगा कि उसकी ग्रेफाइट जो है वो घिस के उस जगह पे उसका जो
थिकनेस है वो चेंज हो जाएगा। तो आगे की चीज़ें जो आप लिख रहे हैं उसका थिकनेस बदल जाएगा, तो आपको यूनिफॉर्म रखनी है। और थोड़ी देर बाद एक दो लाइन लिखने के बाद आपको फिर से एक बार शार्पन करना पड़ता है, उसकी थिकनेस को सही रखना पड़ता है। तो ये वाली चीज़ें हैं। तो गोथिक लेटरिंग मतलब इसका जो सारा थिकनेस जो स्ट्रोक होगा वो यूनिफॉर्म होगा। अगला होता है फ्री हैंड लेटरिंग, ठीक है। फ्री हैंड लेटरिंग का कोई खास नहीं, फ्री हैंड का मतलब जो आपको पता है और यही आप यूज़ करेंगे, फ्री हैंड का मतलब अपने हाथ से सिंपली बनाना, ठीक है। हम इसमें भी थिकनेस यूनिफॉर्म रखते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हर स्ट्रोक में रखें, ठीक है। यहाँ भी यूनिफॉर्म थिकनेस होती है, यहाँ भी यूनिफॉर्म होती है, बट नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, ठीक है। यहाँ भी यूनिफॉर्म थिकनेस, फ्री हैंड होती है, अपने हाथ से बनाया जाता है, सिंपल, कोई आप स्केल या वो सब नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंपल आप फ्री हैंड से बनाएंगे और ये बहुत प्रैक्टिस के बाद आता है, फ्री हैंड की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तीसरा जो है वो रोमन है, ये थोड़ा सा स्टाइलिश होता है, ठीक है। ये स्टाइलिश लेटरिंग होती है, जैसे आप इस रोमन में क्या होता है, आप देखेंगे कि ये इसने किया और यहाँ ई को थोड़ा सा किनारे से और ये भी थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा ऐसे ये कर दिया, ये कर दिया ऐसे, इस तरह की लाइटिंग, तो कुछ स्टाइल बनाना, फिर उसको अलग अलग तरीके से लिखना, जैसे एस लिखा तो ऐसे कर दिया, है ना, ए लिखा तो ऐसे, तो ये जो स्टाइल में जो लिखा जाता है ये सब, तो ये सब रोमन लेटरिंग में यूज़ किया जाता है, कहा जाता है, थोड़ा स्टाइलिश होता है। और ये आर्किटेक्ट यूज़ करते हैं, यूज्ड बाय आर्किटेक्ट्स, है ना, आर्किटेक्ट्स यूज़ करते हैं अपने उसमें, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में वहाँ यूज़ होता है कि वहाँ थोड़ा सा स्टाइलिश देखने में अच्छा लगता है और इस तरीके से, ठीक है। तो ये तीन तरह की है। अब इनका फर्दर क्लासिफिकेशन भी किया जाता है, ठीक है ना, इसको फर्दर ही क्लासिफाई भी करते हैं। अब उसमें जैसे मैंने बताया था ना कि क्लासिफिकेशन बहुत सारे तरीके से हो सकता है, है ना, क्लासिफिकेशन का तरीका जो है वो बहुत सारा हो सकता है। तो एक तो हमने ये स्टाइल पे किया, अब स्टाइल में भी दो तरीके का होता है कि हमने गोथिक लेटरिंग को ही, हमें डिपेंड करता है कि हमने उसको वर्टिकल लिखा है, ठीक है, वर्टिकल लिखा है या इटैलिक लिखा है, इटैलिक या इसको इंक्लाइंड भी कहते हैं, है ना, इटैलिक लिखा है या इंक्लाइंड, बात समझ में है। तो इटैलिक का क्या मतलब है, इंक्लाइंड, वर्टिकल का मतलब जब आपका जो वर्ड है, जो वर्ड है वो, जैसे आपने बी लिखा, ठीक है, तो बी आपने लिखा, इसके बीच में ये जो एंगल है या इधर भी, ये कितना है 90 डिग्री, बात समझ में आ रही है, हॉरिजेंटल से 90 डिग्री अगर वर्ड की जो हाइट है वो 90 डिग्री एंगल बना रही है तो उसको हम कहेंगे वर्टिकल लेटरिंग। और अगर उसी को हमने इंक्लाइन कर दिया तो वो क्या होगा, इंक्लाइंड में ऐसे, ठीक है, ये आपकी वर्टिकल लाइन होगी, वर्ड ऐसे कुछ लिखा जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा जाएगा। तो अगर थोड़ा सा टिल्टेड है और अब यह इसकी लाइन से बनाएंगे ना, तो ये वाला जो एंगल होता है ये 75 डिग्री होता है, तो भाई टोटल 90 है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये 15 डिग्री। तो ये ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो वर्ड हम इटैलिक में, अगर लेटरिंग जो हम कर रहे हैं अगर वो इटैलिक है तो उसका, अब वो क्वेश्चन घुमाने के लिए वो जानता है कि आपने पढ़ा है तो आप बता देंगे, बट वो आपको कन्फ्यूज़ कैसे करेगा, वो ये पूछेगा कि लेटर की जो हाइट, जो लेटर का जो लेटर है वो हॉरिजेंटल से किस एंगल पे इंक्लाइंड होता है। अब देखिए वो हॉरिजेंटल से पूछ रहा है तो 75 बताएंगे, कई बार वो घुमाने के लिए आपसे पूछता है कि वो जो लेटर है वो वर्टिकल से कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, वर्टिकल से, अगर वर्टिकल से पूछ रहा है तो 15 डिग्री, ध्यान रखिएगा वर्टिकल से इसका एंगल 15 डिग्री है, हॉरिजेंटल से 75 डिग्री होता है, तो ये ध्यान रखिएगा इंक्लाइंड लेटर लेटरिंग करने के लिए ये तरीका है। अब ये जो है ये सब में होगा, ठीक है, फ्री हैंड में भी आप वर्टिकल बनाएंगे, फ्री हैंड में भी इटैलिक लिखेंगे, ठीक है, ऐसे ही आप रोमन में भी करेंगे यही सेम चीज़, वर्टिकल और इटैलिक, ठीक है। अब कई बार और फर्दर एक और क्लासिफिकेशन इसके में बताया जाता है, ठीक है, और भी कई क्लासिफिकेशन इसमें किए जाते हैं, वो हम अगले में देखते हैं, ठीक है ना, वर्टिकल और इटैलिक वो अगले में देखते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई, वर्टिकल और इटैलिक क्या है ये बात समझ में आ गई, क्लियर, तो इसको ध्यान से
ये सब क्लासिफिकेशन है, स्टाइल के आधार पे हमने कर लिया। पहला हमने उसके थिकनेस के अकॉर्डिंग किया था, जिसमें टाइप ए टाइप बी रखा था। दूसरा हमने उसके स्टाइल के आधार पे बताया, उसमें दो तीन तरह के हमने पढ़े, ठीक है ना। अगला जो है वो है उसके जो बताया जाता है वह स्ट्रोक्स, स्ट्रोक्स इन लेटरिंग। तो स्ट्रोक्स के आधार पे भी बताया जाता है। अब इसमें देखिए आते हैं, पहला सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग, सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग, सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग। ध्यान रखिएगा, सिंगल स्ट्रोक लेटर नहीं लिखा जा रहा है, सिंगल स्ट्रोक लेटर नहीं, सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग। तरीका क्या है सिंगल स्ट्रोक में लिखने का और तरीका क्या है डबल स्ट्रोक में लिखने का, ठीक है ना। ये थोड़ा नॉर्मल से अलग है, डबल स्ट्रोक लेटरिंग। इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग का क्या मतलब हुआ कि आपने एक वर्ड लिखा ऐसे, ए मान लीजिए लिखा, और ये हो गया आपका सिंगल, ठीक है ना। अब ये कतई मतलब नहीं है कि सिंगल स्ट्रोक का मतलब कि आपने पेन उठाया और एक ही बार में बना दिया बिना पेन उठाए। एक बार पेन आपने रखा और बिना उठाए उठा दिया, इसका ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि सिंगल स्ट्रोक का मतलब, और सही बात है। सिंगल स्ट्रोक लेटर, जैसे एल, इसको सिंगल स्ट्रोक लेटर बोला जाता है, तो लेटर लेटर अक्षर सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक, ट्रिपल स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक कई होते हैं, बट लेटरिंग सिंगल स्ट्रोक अगर बोल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार पेन रखा और पूरा उसी से बना दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिंगल स्ट्रोक का मतलब सिंगल लाइन से, अगर डबल स्ट्रोक कहेगा तो यहाँ पे उसका मतलब ये है, ध्यान से देखिएगा। डबल स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि आप डबल लाइन उस पर चला रहे हैं, ठीक है। ये हुआ सिंगल डबल स्ट्रोक, बात समझ में आ रही है। अब डबल स्ट्रोक में भी वो दो तरीके से किया जाता है, एक होता है फील्ड और एक होता है अनफील्ड, ठीक है। एक होता है फील्ड, एक होता है अनफील्ड, दोनों तरीके सही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए कि आपने इसको फिल कर दिया पूरा पूरा, ठीक है, आपने इसको ऐसे फिल कर दिया, क्लियर, फिल कर दिया, तो ये भी डबल स्ट्रोक है, ये भी डबल स्ट्रोक है, दोनों सही हैं, ठीक है। तो ये आपका डबल स्ट्रोक में आता है, और ये सारे अक्षर जो हैं ये सिंगल स्ट्रोक माने जाएंगे। मतलब अगर एक सिंगल लाइन आप यूज कर रहे हैं, डबल नहीं चला रहे हैं उसके ऊपर, तो उसको हम सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग कहते हैं। जो मैं बता, लेटर के लिए जो होता है वो अलग है, ये लेटरिंग के लिए है। लेटरिंग मतलब लिखने के तरीके का बात हो रहा है, तो वो ध्यान दीजिएगा। तो डबल स्ट्रोक का मतलब दो लाइन, सिंगल स्ट्रोक का मतलब सिंगल लाइन, क्लियर। और डबल स्ट्रोक में दो तरीके से अनफील्ड भी आता है, आपको बोला जाता है। ज़्यादातर एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आपको कहेगा कि फिल मत कीजिएगा, लिख देगा वो फिल मत कीजिएगा, और बिना फिल वाला भी हो सकता है, जो पूछे आप कह सकते हैं। तो ये एक और क्लासिफिकेशन है, सिंगल स्ट्रोक करना है, डबल स्ट्रोक, ये भी एक क्लासिफिकेशन है। सब ये आपके लेटरिंग के ही क्लासिफिकेशन है, अलग अलग उसका क्या नाम है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्राइटेरिया ना, जो क्लासिफिकेशन करने का जो बेस है वो अलग अलग है, क्लियर। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आगे देखते हैं। सिंगल स्ट्रोक डबल स्ट्रोक भी समझ में आ गया, ठीक है। तो ये सब यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, और वाइवा में भी इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे रेशियोज फॉर डिफरेंट स्पेसिंग्स। अभी हम स्पेसिंग की बात नहीं किए थे, ठीक है ना, अभी तक हम वर्ड मेजरमेंट देख रहे थे, अभी तक स्पेसिंग की बात नहीं किए थे। जैसे देखिए कि क्या होगा कि आपने लिखा ये देखिए, ये एक हाइट पे गाइडलाइंस, ठीक, राम इज
ये मार्कर से थोड़ा दिक्कत होती है, मार्कर देखिए कभी कभी फिसलता रहता है, ठीक है। तो राम इज गोइंग ऐसे लिख रहा है, देखिए दो लाइन, ये गाइडलाइंस हैं, दोनों की हाइट सेम ही है, अलग अलग आपको लग रहा होगा तो बात अलग है, क्योंकि मैंने स्केल नहीं यूज़ किया। तो इसमें देखिए अभी तक हमने जो बात की वो हमने इसकी हाइट की बात की, विड्थ की बात की, और जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, जो वर्ड जिस लाइन से लिखे हैं, थिकनेस की बात की। बट इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं, जैसे स्पेसिंग, देखिए ये और ये क्या है, वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग, दो वर्ड के बीच में अगर जो जगह हमें देना है, तो इसको मान लीजिए स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से। तो ये स्पेसिंग आपको ध्यान में रखनी होगी, बात समझ रहे हैं आप। ये एक स्पेसिंग होगी, एक स्पेसिंग होगी कौन सी, ये और ये, दो शब्दों के बीच में, दो अल्फाबेट्स के बीच में, करेक्टर के बीच में एक स्पेसिंग होगी। कि भाई आप लिखते हैं ना तो दोनों के बीच में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप मिला के तो नहीं, रनिंग हैंड में तो नहीं लिखा जाता ना, ये तो अलाउड ही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आपसे कोई पूछेगा कि रनिंग हैंड में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में बिल्कुल नहीं लिखते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपको जगह देनी होती है, बीच बीच में आपको जगह देनी होती है। तो जब आप जगह दें, कंप्यूटर में भी हमेशा कंप्यूटर दो वर्ड्स के बीच में जगह बनाता है, वो रनिंग हैंड में तो आपकी तरह लिखता नहीं है, तो वैसे ही कंप्यूटराइज्ड ही की तरीके से लिखा था। तो दो शब्दों के, दो शब्द नहीं, दो अल्फाबेट्स, दो अक्षर, इनके बीच में स्पेसिंग, उसको एस कहेंगे। और दो शब्द, एक राम अलग शब्द है, इज अलग शब्द है, इनके बीच की जो स्पेसिंग होगी इसको हम कहेंगे ई से डिनोट करेंगे, ठीक है, ई से, है ना। इनके बीच की भी स्पेसिंग होगी, बात समझ में आ रही है, इनके बीच भी हम स्पेसिंग देखेंगे, क्लियर, इनके बीच भी हम स्पेसिंग देखेंगे। और एक लाइन आपने लिखी, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों के बीच में भी स्पेसिंग, तो वैसे ये स्पेसिंग डिफाइन की जाती है यहां से यहां तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दो वर्ड के बीच की स्पेसिंग, ठीक है, और बेस लाइन के बीच में जो स्पेसिंग होती है उसको हम बी कहते हैं, बी से डिनोट करते हैं, क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो ये है, ये अभी तक हमने बात नहीं की थी, तो ये भी आपको बताना, ये भी मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम टाइप ए टाइप बी दोनों में एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल से आपको पता चलेगा एग्जैक्ट रेशियो क्या फॉर्मूला आएगा एस का। ये सब भी अब ध्यान रखिए, सबका बेसिस जो है वो हाइट ऑफ एच, हमने एच से ही विड्थ और थिकनेस निकाली थी, उसी एच पे ये सब डिपेंड करेंगे, बी एस ई ये सब उसी पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो हम वो टेबल बनाते हैं, देखते हैं, ठीक है, वो टेबल बना के देखते हैं कि कैसे हमारा सब कुछ वेरी करता है, ठीक है। टाइप ए और टाइप बी दोनों के लिए देखेंगे, क्लियर, देखते हैं। देखिए तो ये है आपका वो टेबल जहां से हमको फॉर्मूला पता चल रहा है, फॉर्मूले रेशियोज ये हैं आपके टाइप ए के लिए, ये है। अब देखिए ये आपको याद होगा जो मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड जो आपके बीआईएस ने 2.5 3.5 7 10 14 20 ये लेटर हाइट ऑफ कैपिटल्स, एच कैपिटल लेटर जो भी आपका टाइप ए में आपको लेना है, ये सारा मैंने वहां भी आपको बताया था कि बीआईएस आपको मना नहीं करता कि आप ये सारे न लीजिए, ठीक है, आप सब ले सकते हैं टाइप ए टाइप बी दोनों में ही। वही देखिए उसने सारे लिए हैं क्योंकि बीआईएस बता रहा है। बट आप देखिए कि जब आप टाइप ए कौन सा है, टाइप ए है डी जहां पे एच बाई 14 है, ठीक है ना। अब एच बाई 14 में अगर आप 5 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, तो देखिए 0.7 2.1 0.35 ये सारी मेजरमेंट्स जो हैं ये लेना बड़ा ही कठिन काम है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ले सकते हैं आप, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, थोड़ी मुश्किल होती है, बट ले सकते हैं, मना नहीं है। बट ये अच्छा है कि आप न लें तो ज़्यादा बढ़िया है, आप 3.5 7 14 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट फिर भी उसके जो सारे स्पेसिफिकेशन बताए हुए हैं, अब देखिए इसमें जो स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर्स दिया है, दो कैरेक्टर्स के बीच में जो स्पेसिंग, उसको एच से डिनोट किया है। इसका फॉर्मूला बना 2/14h, ठीक है, एच अपॉन 14 तो होगा ही डी के, इसको डी के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं कि ये कितना होगा। देखिए आप अगर इसको आप देखें, ये 2h/14, तो h/14 तो यही है 2, तो अगर डी एच अपॉन 14 है तो 2d हो गया, तो स्पेसिंग बिटवीन 2d आ गया टाइप ए में। तो 2d होता है स्पेसिंग बिटवीन टू कैरेक्टर्स।
तो d के टर्म्स में लिखते हैं बट h, क्योंकि बेसिक जो बेसिस जो है हमारा वो h है। हो सकता है आपने d कहीं गड़बड़ किया हो तो दिक्कत हो, तो उस केस में आप h को ही डिफाइन करेंगे, या d आपने निकाला भले है, जैसे मान लीजिए कि आपने d निकाला 3.5, ठीक है 3.5, तो होता क्या है कि हम 3.5 को ले नहीं पाते हैं, तो उससे एक अगला या पिछला कर देते, 3 कर देते हैं या 4 कर देते हैं, अरे सॉरी हम स्पेसिंग की बात, थिकनेस की बात कर रहे हैं, थिकनेस ये। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा पॉइंट ये आ गया, 0.35 आ गया, तो 0.35 की थिकनेस को हम बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ऐसा बनाने में, तो हम उसको 0.5 ही ले लेते हैं, ठीक है। थिकनेस आती कैलकुलेशन से, फॉर्मूले से 0.35 है, अगर हमने 5 लिया तो 0.35 आएगा, 5 अगर हाइट लिए हैं तो थिकनेस हमारी 0.35 आएगी, बट हम करते क्या है कि हम उसमें 0.5 ले लेते हैं उसकी जगह, पेंसिल जो यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा जो काम होता है वो आसान हो जाता है, दिक्कत इसमें पेंसिल बनाने में होती है। अब आपने ले लिया 0.5, बना आप 0.5 से रहे हैं, और पता चला कि आपने डी जो 0.5 लिया उसी से सारा कैलकुलेशन कर दिया, अगर डी के फॉर्मूले लिखे हैं तो ये गलत होगा। आपको जो ये यूज़ करना है वो तो आपको एच से ही लेना है, इसलिए हम इसको एच से बनाए, क्योंकि एच ही सबसे बेसिक चीज़ होता है, एच को आप कभी छेड़ते नहीं है, जो दिया है वो आपको लेना पड़ेगा, उसमें कोई कम बेश नहीं कर सकते। अगर वो 3.5 दिया है एच, तो आपको 3.5 ही लेना है, ठीक है। तो इसलिए सारे फॉर्मूले एच में बने हैं। स्पेसिंग 2/14 इंटू एच, मिनिमम स्पेसिंग ऑफ बेस लाइन्स, बेस लाइन मैंने बताया था ऊपर वाला जो वर्ड है उसका जो बेस है, और नीचे वाला जो वर्ड लिखा है अगली लाइन का उसका जो बेस है, उन दोनों के बेस में जो डिफरेंस है, ना कि उन दोनों के बीच का, ध्यान रखिएगा। ये ई होता है, ये बी होता है, और वो कितना होता है 20/14, देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है। मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स, दो वर्ड के बीच में, दो वर्ड, एक राम एक इज, उन दोनों के बीच में, अक्षरों के बीच में नहीं, वर्ड के बीच में, उसको ई कहते हैं। ये 6/14, देखिए सबसे कम ये वाला है, सबसे कम तो थिकनेस ही रहेगी, बात समझ में आई। ये एक अलग आया है, हाइट ऑफ लोअर केस लेटर्स, अभी तक हमने इसकी बात नहीं की थी, जब हम वहाँ बात कर रहे थे हमने लोअर केस की बात नहीं की, तो ध्यान रखिए लोअर केस लेटर। लोअर केस का मतलब जैसे ए, ये तो कैपिटल लेटर हो गया ए, इसके लिए तो ये हो गई, अब वही दिया रहेगा अगर उसी पे आपको लोअर केस देखना है तो क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपने हाइट, आपने टाइप ए में इसमें से हाइट चुनी 7, तो 7 हो गई कैपिटल ए के लिए, तो 7 आ गई, देखिए 14/14 जो एच लेंगे वही कैपिटल की हो जाएगी, क्योंकि 14/14 कट के 1 हो जाएगा, एच हो जाएगा, तो एच आपने सेलेक्ट किया 7, वही हाइट हो जाएगी कैपिटल लेटर की 7 में। बट अगर उसी ड्राइंग शीट पे अगर आपको स्मॉल लेटर यूज़ करना है तो उसकी हाइट उसके रिस्पेक्ट में कितनी होगी, अगर आपने एच 7 लिया है तो 7 × 10/14, तो 7 से 14 जाएगा 2 और 2 से 5, तो स्मॉल लेटर के लिए थिकनेस क्या आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा 5, देख रहे ना, देखिए कैसे 10/14 इंटू हाइट कितनी ली आपने एच की जगह 7, तो ये कितना आ जाएगा 7 2 जा और ये 2 5 जा, 5 mm आ गया। मतलब कि अगर आप टाइप ए में इस टेबल को फॉलो करेंगे और आपने हाइट चूज कर ली 7 कैपिटल की हाइट सब मायने रखती है, एच आपने चूज कर लिया 7 पे लिखना है, तो कैपिटल लेटर 7 से लिखेंगे और जो स्मॉल लेटर लिखेंगे वो 5 से लिखेंगे, देखिए 5 आ रहा है, कैलकुलेशन में हमने दिखा दी, तो ये सब इसी फॉर्मूले पे कैलकुलेट करके वैल्यूज दे दी गई हैं अलग अलग स्टैंडर्ड पे। तो बेसिकली क्या होता है कि आपके एग्जाम में तो इससे आप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको देख के इसको फॉलो करके आप ड्राइंग बनाने लगे फिर तो हो चुका। ये मैंने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, और कॉम्पिटिशन के क्वेश्चंस के लिए, कॉम्पिटिशन में भी इस पे क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन में ऐसा नहीं कि आपको सारी वैल्यू याद रखना, आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। हाँ, आपके एग्जाम, आपके वाइवा में भी आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है, याद रहे तो बताइए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप बताइए कि रिलेशन होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये आपके एग्जामिनेशन और कंपटीशन के लिए मैं बता रहा हूँ, बात समझ में आ रही है। आप इसको पूरा फॉलो ये नहीं करते हैं, ये स्टैंडर्ड है BIS का। आप अपने स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्री में अगर जाएंगे तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। इफ़ यू बिकम एन इंजीनियर और आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, टेबल आपको मिलती है कि भाई इस टेबल के हिसाब से बनाना है आपको, ठीक है ना, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टूडेंट के लिए इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर यही करने लगेंगे तो फिर तो ड्राइंग बन चुकी, ठीक है ना। उसके लिए एक शॉर्ट है तरीका, वो बताएंगे अभी, वो भी बताया जाएगा कि कैसे आपको चार्ट बनाना है, ठीक है। तो ये टाइप ए के लिए है, क्लियर। टाइप बी का देख लेते हैं,
टाइप बी देखते हैं, ठीक है ठीक है। ये टाइप बी के लिए है, ध्यान दीजिएगा, रेशियोज फॉर डिफरेंट स्पेसिंग। टाइप बी के लिए क्या होगा, टाइप बी के लिए मैंने बताया था कि आपका जो डी है इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, एच बाई टेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो एच बाई टेन ही है ये, ठीक है ना, एच बाई टेन हो जाता है डी का फॉर्मूला, देखिए एच बाई टेन, ठीक है। तो हाइट तो वही टेन बाई टेन ही, वो तो एच ही रखना है, हाइट तो बात अलग है। हाइट ऑफ लोअर केस सेवन बाई टेन हो जाता है इसमें, ठीक है। और स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर्स टू बाई टेन, मिनिमम स्पेस बेस लाइन 14 बाई टेन, वहाँ 20 था ध्यान रखिएगा, ये तो नहीं था। मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन 6 बाई टेन है और थिकनेस है तो 1 बाई टेन आपको पता ही है। अब उसके अकॉर्डिंग टाइप बी के लिए भी सारे वो निकाले गए हैं वैल्यूज़, ठीक है। टाइप बी में भी मैंने बताया कि ये सारा यूज़ कर सकते हैं, तो इसने यूज़ किया है। आप कौन सा करेंगे, मैंने बताया था जो 10 का मल्टीपल होगा 2.5, 5, 10, 20 अच्छा रहेगा, बट आप कोई भी करिए कोई फर्क नहीं पड़ता। उन सब के अकॉर्डिंग वैल्यूज लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ भी जैसे वो था वैसे ही सेम ये है फॉर्मूला, बस अलग हो जाता है क्योंकि टाइप जो है वो अलग हो गया है, डी का फॉर्मूला अलग हो गया है। बात समझ में आ रही है, तो सब कुछ उसी के सब्सिक्वेंटली चेंज हो जाता है। ये टाइप बी का स्टैंडर्ड है, इसको भी उसी तरीके से समझ लीजिए, कोई अंतर नहीं है, क्लियर, ठीक है। तो इसको बिठा देते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये सारी बातें हो गई, ये सब कुछ जो था वो स्टैंडर्ड बीआईएस का था, और आपके थ्योरेटिकल और कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस के लिए ये सारी बातें की गई, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आते हैं या आपके वाइवा या रिटर्न एग्जाम में जो आते हैं उनके लिए ये सब था। अब बात ये होती है कि प्रैक्टिकली जो हमें चार्ट पेपर बनाना है, जो हमें शीट बनानी है, या हमारा जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा जहाँ हमें फिर से शीट बनानी होगी, वहाँ पर हम कैसे काम करेंगे वो हमें एक बार ध्यान से देखना है, ठीक है। क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जो डिटेलिंग है वो सब कुछ आप वहाँ नहीं अपना सकते, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं जनरल रूल, जनरल रूल फॉर लेटरिंग, जो हमें फॉलो करना है, ठीक है ना, जो हमें फॉलो करना है जनरल रूल। तो जनरल रूल क्या है वो हमें देखना है ध्यान से, बड़े ही इत्मीनान से उसको समझिएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका, क्योंकि अगर हम ये ई बी और सबकी वैल्यूज़ उस तरीके से देखने लगेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो उसको समझना है, राम इज ठीक, राम इज गोइंग, ये दो लाइन में दो चीज़ें लिखी हुई हैं। हमने बोला था कि एक हमारा जो स्पेसिफिकेशन है वो है ये, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्पेसिंग बिटवीन टू वर्ड्स। तो जनरल रूल में आप ध्यान रखिएगा कि जो हम एस की वैल्यू लेंगे, ये छोटा एस होता है, एस की जो वैल्यू लेंगे वो होगा 0.5 टाइम्स विड्थ, जो भी विड्थ होगी उसके 0.5 टाइम्स आप लेंगे, ठीक है ना। विड्थ जो भी आपने, जनरल विड्थ, आप देखिए, अब आप सोचेंगे कि डब्लू कौन सा लेना है, विड्थ कौन सी लेनी, क्योंकि विड्थ तो हमने आपको बताया था कि वेरी करती है, ठीक है। तो विड्थ के लिए मैं आपको बता दूं कि विड्थ जो है वो डिपेंड कर रेशियो फाइन हाइट टू विड्थ, ये भी मैंने आपको बताया था ना, विड्थ वाला भी आपने टेबल आपको याद है 1D 2D करके, तो बहुत दिक्कत है, ठीक है ना, कितना याद रखेंगे और कैसे हर जगह वो लेटर याद रखेंगे, कैसे बनाएंगे। तो कुछ स्टैंडर्ड है वो आपको ध्यान में रख लेना है सीधे सीधे, उसके अलावा कोई टेंशन नहीं है। तो हाइट टू विड्थ रेशियो जो है वो 7:1, इसको भी 7 कैटेगरी में
साथ में छः कैटेगरी में बांटा गया है, 7:3, 7:4, 7:5, 7:6, ठीक है। ये आपके पांच तरीके में, ये लोग जो बाइफर्केशन जो सेवन था वहाँ पे, उसको हमने अपनी ड्राइंग बनाने के लिए स्टूडेंट्स के लिए हमने इसको पांच कर दिया है, ठीक है। यही हर जगह फॉलो किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि 7:1, आपको पता है कि अगर हाइट 7 और विड्थ 1 सिर्फ रखनी है सिक्की, सबसे कम कौन सा होता है आपको अभी भी याद होगा, आई, बस एक यही है जिसके लिए एक 7:1 बनाना पड़ा, ठीक है। 7:3 के लिए एक खाली आता है जो हमें उसके लिए लेना है जे, ठीक है। आप इसमें एल ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मत लीजिए, सिंगल सिंगल लगेंगे तो याद ज्यादा होगा। और 7:4 जो है ये जनरल होता है, ये सबसे जनरल है, ये जनरल है, इसकी को आपको सबके लिए फॉलो करना है। बात समझ में आ रही है? अब बात आती है, 7:4 हो गया, अब 7:5 में आता है आपका एम, ठीक है, और 7:6 होता है डब्ल्यू के लिए जो सबसे ज्यादा होता है। ये हाइट है 7, अगर 7 mm हाइट लिया तो 6 mm विड्थ होगी किसकी, डब्ल्यू की विड्थ, चौड़ाई, ऐसे ही इसकी चौड़ाई 5 mm होगी। ये तो हाइट तो सबकी सेम है, देखिए, क्योंकि हाइट तो हम वेरी नहीं करते, बताया भी था मैंने आपको। तो अब देखिए कि अब आप कहेंगे कि यहां जो स्पेसिंग है वो विड्थ के हिसाब से लेनी है, तो आप विड्थ के हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि आई वाले में, आई में 1 है तो 1 लेंगे तो 0.5, तो 0.5 ही लेनी होती है, आई के साथ कम ही लेनी होती है। बट अगर आपको दिक्कत समझ में आ रही है कि नहीं ये बार बार हम कितना याद रखेंगे, तो आप ध्यान रखिए कि जनरल को फॉलो कर लीजिए। यहां विड्थ कितनी है 4, तो डब्ल्यू की वैल्यू 4 लेके चलिए, W की वैल्यू 4 ले लीजिए और इसके हिसाब से सारी कैलकुलेशन कर दीजिए, सब में आप यही वाला फॉलो कर दीजिए। बट ये ध्यान रखिए कि I जब इसका थिकनेस कम है तो इसमें हमें स्पेसिंग भी कम ही देनी होती है, जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। बट आप जनरल स्पेसिंग इसकी मानी जाती है। और बचे हुए 22 लेटर्स, 22 अल्फाबेट्स, वो किसमें ड्रॉ होंगे, 7:4 में। और आपको मैं पहले ही बता दूं कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे लेटरिंग पे, अगर कोई क्वेश्चन शीट बनाने के लिए आया तो वो इसी पे आएगा, 7:4 पे ड्रॉ करने के लिए कहेगा, ठीक है ना, क्योंकि यही जनरल फॉलो होता है। 7 हाइट, जो हाइट के BIS कई सारे दिए थे उसमें इसी पे वो बोलेगा ज़्यादातर बनाने के लिए, ठीक है। तो वो कहेगा कि आप 7:4 पे लेटर्स ड्रॉ कीजिए, ठीक है, और कोई भी एक दे देगा, गोथिक में दे सकता है, गोथिक स्टाइल में लिखिए या फ्री हैंड में लिखिए, या आपको कह देगा इंक्लाइंड लिखिए, ये भी कह सकता है, तो 75 डिग्री वाली लाइंस खींचनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वो सारी बातें आपको ध्यान में रख के इसको ड्रॉ करना होगा। बात समझ में आ रही? अब बात आती है हमारी इस वाले थिकनेस की, है ना, ये भी एक थिकनेस है जिसको हम क्या बोलते थे, ई, है ना। तो ई की वैल्यू कितनी होगी, ई को जो डिफाइन किया गया है, ई हम लेते हैं इक्वल टू थिकनेस ऑफ एम। एम की जो थिकनेस होती है उसी को हम ले लेते हैं, कि बीच में आप ये सपोज कीजिए कि एक एम के बराबर की जगह बीच में आपको छोड़नी है, दो वर्ड्स के, दो अगर शब्द है, राम एक शब्द है, एक इज एक शब्द है, उन दोनों के बीच में जो जगह आपको छोड़नी है वो थिकनेस ऑफ एम के बराबर छोड़नी है। तो थिकनेस ऑफ एम जो स्टैंडर्ड के लिए है वो 5 mm है, तो 5 mm बीच में आपको छोड़ देना है, मान सकते हैं 5 mm स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड 5 mm आप ले सकते हैं बीच में ई की वैल्यू, ठीक है। अब बात आती है कि आपका जो बेस लाइन है, तो बेस लाइन तो कहती है वो यहां से यहां तक, बट हम ये काम नहीं करते, हम सिर्फ इसकी बात करते हैं, हम सीधे सीधे मोटा मोटी ये जोड़ देते हैं। और इसको हमने कहा, इसको आप जो भी मान लीजिए, क्या मान लें, कुछ भी मान लीजिए, जो आपकी मर्जी करे। तो इसको जो हम मानेंगे, ये जो आएगा ये होगा 0.5 से 0.5 से 1.5H, ठीक है, 0.5H से 1.5H तक आपको दो वर्ड्स की बीच में ये डिस्टेंस। देखिए जो स्टैंडर्ड BIS ने दिया है वो तो यहां से लेके, वो यहां से लेके यहां तक का दिया है, जिसको हम B कहते हैं। बट हम सीधे सीधे आपको ये बता दे रहे हैं जो आसान होगा, आपको ड्राइंग बनानी है, प्रैक्टिकल हम बता रहे हैं क्या करना है। तो 0.5H टू 1.5H, सिंपल सी बात है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है, अगर मान लीजिए 0.5H रखा तो ये टोटल कितना हो जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग बी आप वहां देखेंगे तो 1.5H आ जाएगा ये, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपने 0.5H रख लिया
और इसकी हाइट कितनी है, h के बराबर ही है, तो 0.5h प्लस वर्ड की हाइट h, तो ये दोनों की बेस लाइन में यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1.5h हो जाएगी, सिंपल। तो ये कहा जाता है कि मिनिमम जो है, मिनिमम गैप वो 0.5h से कम नहीं होना चाहिए। इससे कम गैप दो लाइंस के बीच में आप नहीं देंगे, कभी भी ध्यान रखिएगा। 0.5h, 0.5 नहीं है खाली, 0.5 into h, इससे कम बीच में डिस्टेंस आप कभी नहीं करेंगे, ये मिनिमम है। उससे ऊपर आप कितना भी रख सकते हैं, 0.5 से लेके 1 रखिए, 1.5 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, तो ये पूरा आपको फॉलो करना है बनाने के लिए। अब बातें होती हैं कि आप कैसे उसको मेजर करेंगे, तो उसके लिए भी ध्यान रखिएगा, जो आप मेजरमेंट करते हैं, जो आप बनाते हैं, तो उसका तरीका यह है कि आप दो लाइन खींचे और ये लाइन की जो हाइट आपने मेजरमेंट जो दिया है वो जो भी आपका एच दिया रहेगा, एच के बराबर आपने एच की डिस्टेंस पे एक लाइन खींची, फिर एच दूरी पे दूसरी लाइन खींच दी पैरेलल ड्राफ्टर से, ठीक है। आपने ड्राफ्टर लाया, पहली लाइन खींची, फिर एच जितना भी दिया हुआ है, 7:4 दिया, तो आप समझ गए कि हाइट 7 है, तो 7 हाइट है, तो नीचे एक लाइन खींच दी, काम खत्म। अब इस लाइन को बराबर 7 पार्ट्स में तोड़ दीजिए, 1, 2, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक, ऐसे 7 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद 7 mm हाइट ली है, 7 पार्ट, एक पार्ट 1 mm का होगा, तो ऐसे ही आप 1 mm डिस्टेंस पे इसको वर्टिकली भी डिवाइड कर दीजिए, है ना। और वर्टिकल वाले में तो गिनती नहीं करनी है, 1 mm पे मारते जाइए, क्योंकि आप बहुत सारे वर्ड लिखने हैं। अब ध्यान रखिएगा कि जब हम ये ड्राइंग में बनाते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो हमारा लिखने वाला है, क्योंकि ये सब ये गाइडलाइंस हैं, एग्जैक्ट ड्रॉ करने के लिए हमने गाइडलाइंस बनाई है कि गड़बड़ ना हो, सुंदर दिखे, साफ साफ बने, बट ये गाइडलाइंस हमारी ड्राइंग का पार्ट नहीं होती, लेटरिंग का पार्ट नहीं है, तो ये नहीं दिखना चाहिए। तो बेसिकली जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में किया था, वहां तो ये बना के बाद में मिटा दिया जाता है, क्योंकि वर्ड की इंकिंग कर दी जाती है, इंक लगा देते हैं उसके ऊपर, उसके बाद ये बचा हुआ रबर से पूरा रब कर। अब आप रब करने तो जाएंगे नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं, सबसे अच्छी चीज कि आप ये जो लाइंस हैं, लाइंस कौन सी लाइन, गाइडलाइंस जो है आप बनाइए 3H और 4H पेंसिल से, 3H या 4H पेंसिल ले लीजिए, उनसे ये गाइडलाइंस बनाइए। तो क्या होगा, बहुत धुंधली दिखती है, बहुत फेंट दिखाई देती है, बहुत ही हल्की दिखाई देगी, और उस पर जब आप, और जो वर्ड आप लिखेंगे, वर्ड्स जो आप वर्ड्स लिखेंगे, जो अल्फाबेट्स लिखेंगे, वो आप एच से यूज कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आप एच यूज करेंगे तो काफी ज्यादा डार्कर दिखेगा इससे, और बिल्कुल पता चल जाएगा कि ये अलग दिख रहा है, या एच और एच बी यूज कर लीजिए, है ना, एच बी यूज कर लीजिए तो भी हो। कई बार हम नॉर्मली क्या करते हैं, अभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप कोई भी ये वाली पेंसिल यूज कीजिए, लास्ट में बनने के बाद उस पर पेन चला दीजिए, बट पेन से ज्यादा अच्छा ये काम होता है कि आप एच बी ले लीजिए, क्योंकि आपको एक बार आप बनाएंगे फिर उस पर पेन चलाएंगे तो डबल काम होगा, टाइम वेस्ट होगा, तो ये सब बातें ध्यान रखनी। अब अगर आपको इसी को इंक्लाइंड बनाना है, तब आप कैसे करेंगे, ये भी ध्यान देना है। तो आप क्या करेंगे कि दो लाइन आपने खींची, ठीक है, दो लाइन खींची, इसके एंड पॉइंट से एक एंगल ड्रॉ किया यहां से 75 डिग्री का, अब उसके पैरेलल लाइन यहां से ड्रॉ करते चले, हॉरिजॉन्टल वाली तो वैसे ही रहेंगी साथ, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसके पैरेलल लाइन यहां से ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब आप उसी के अकॉर्डिंग बनाते जाइए इसमें, जैसे मान लीजिए कि आपने 7:4 करना है, ठीक है, और आपको ए ड्रॉ करना है, ठीक है, ए ड्रॉ करना है, तो आपने क्या किया, आपको पता है कि 7 हाइट तो इतनी पूरी रखनी है और चौड़ाई 4 रखनी है, ए के लिए 4 ही है, 22 लेटर्स में आएगा, तो 1, 2, 3, 4 यहाँ तक, तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और इन सब का मिड पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ, तो एक स्केल लीजिए, यहाँ से ऐसे जोड़ लीजिए, ज़रूरत नहीं है स्केल की भी, आप हाथ से भी जोड़ सकते हैं, बट हाथ से ऐसा नहीं कि ये टेढ़ा हो, मार्कर इसमें गड़बड़ हो रहा है, और मिड पॉइंट जो है, मिड लाइन जो होगी उससे थोड़ा सा नीचे ड्रॉ किया जाता है, ए का मिड से थोड़ा नीचे, बात समझ, बिल्कुल बीच में ए का लाइन नहीं ड्रॉ किया था, मिड से थोड़ा सा नीचे ड्रॉ किया था, तो इस तरीके से। अब इसी को अगर आपको इंक्लाइन में करना है तो ये तो रेशियो तो वही होगा, तो 7 हाइट तो ठीक है, आपने क्या लिया, 1, 2, 3, ठीक है, यहाँ से 1, 2, 3 और 4 यहाँ हो गया, ये और ये पॉइंट, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इसका मिड पॉइंट खोजेंगे ऐसे, अपने आप वो
अपने आप देखेंगे कि वो इंक्लाइंड हो गया, ए इंक्लाइंड हो जाएगा। यहाँ मैंने एग्जैक्टली नहीं बनाया इसलिए एग्जैक्ट दिख नहीं रहा, बट जब चार्ट पे बनाएंगे और मेजर करके बनाएंगे तो बिल्कुल इंक्लाइंड बनेगा। तो ये तरीका है पूरा लेटर्स बनाने का। और ये जो लास्ट में जो ये हमने बताया, ये आपको फॉलो करना है, 0.5H आपको फॉलो करना है। ये भी वैल्यूज निकाल के रख लीजिए एग्जाम के लिए, जैसे H आपका 7 है तो 0.5, 7, 5, 35, 3.5, तो 3.5 या 4 mm का बीच में गैप दे दीजिए। 3.5 क्या 4 mm का गैप, आप याद रखिए कि 7:4 दिया तो 4 mm का गैप हमको हमेशा बीच में छोड़ना है, दो वर्ड के बीच में नहीं, m के बराबर ना, m का 5 है तो 5 mm, दो मैंने लिखा भी था यहाँ पे 5 mm, दो शब्दों के बीच में 5 mm, दो लेटर्स के बीच में, दो अल्फाबेट्स के बीच में आपको क्या देना है, 0.5 W था, और W आपका जनरल 4 है तो 4 5 20 2 mm का गैप दो के बीच में देना है, ठीक है, और 5 mm का शब्दों के बीच में देना है। इन दोनों के बीच में आपने 0.5 H गैप 0.5 H देना है। H कितना है, 7 7 5 35, तो 4 का कम से कम दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज आप टोटल करके रख लीजिएगा और उस पर प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में सीधे जाके उसको बना दिए देखते ही, क्योंकि एग्जामिनर आपका बहुत ज्यादा मेजर नहीं, वो अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट से पता कर लेता है कि आपने ठीक बनाया है कि नहीं। क्लियर, ठीक है, तो इसको देखिए, ये पूरा लेटरिंग आपका टॉपिक था। थैंक यू।